चार्ल्स सेलुकस, संधि के अनुसार हमारे मध्य जो समझौता हुआ था। समझौता? कौन सा समझौता और कौन सी दोस्ती? मगध के जिस ताकतवर और जाबाज शाह धनानंद से हमने दोस्ती की थी, वो सिर्फ अब तुम्हारे लिए ही शाह है अमात्या। बाकी दुनिया के लिए तो ये एक मामूली सा नापित नंद है। तुम भूल रहे हो सेल्यूकस कि इसी नापित नंद ने मगध का अदम्य साम्राज्य खड़ा किया था केवल अपने साहस और बुद्धि के बल पर, और मैं उसे पुनः खड़ा कर सकता हूं। तुम्हारे सैनिक कई महीनों से भारत में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, किंतु उस चंद्रगुप्त की सेना से तुम्हारी सेना बार बार पराजित हो जाती है और वो तुम्हारी सेना को भारत से खदेड़ देता है। तुम मुझे अपनी सेना दो और मैं तुम्हें अपनी योजना दूंगा, जिसके बाद तुम भारत में पुनः प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि उस चंद्रगुप्त का सुरक्षा व्यू टूट जाएगा। अवश्य यहाँ भाई ने भेजा है। तुल, दुर्जरा को शीघ्र महल में ले जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। सैनिको आओ। सैनिको, उस रात को रोको। तूल, हथियारे हमारे पीछे हैं। कदाचित धनानंद ने अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारे हमें मारने के लिए भेजे हैं। भाई मुझे मारना नहीं चाहते, पुनः अपना बंदी बनाना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। महाराज, महारानी के रथ पर हमला हुआ है। तुरंत दादाजी को सूचित करो कि वो यहाँ सेना भेजे। शीघ्र करो सूर, मैं अधिक देर तक शत्रु को नहीं रोक पाऊंगी। नहीं सूर, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सूर दादा, ये हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम महल की ओर जाओ और सेना लेके आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोके रखता हूँ। दुर्धरा, तुम कुशल तो हो। आचार्य, मैं तो ठीक हूँ, किंतु सूर,
हमें शीघ्र चलकर उसे बचाना होगा। उचित है, शीघ्र चलो। दुर्धरा, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक संकट टल नहीं जाता। ये पकड़ो। वीरों, समय आ गया है जब हम मातृभूमि के शत्रुओं पर काल बनकर प्रहार करें। आज हमें देश के इन दोनों शत्रुओं का सर्वनाश करना है। सज्ज हो जाओ। आक्रमण! मामा!
अंततः नंद वंश के सूर्य पर मौर्य वंश के चंद्रगुप्त ने ग्रहण लगा ही दिया। विष्णुगुप्त चाणक्य आप सबके समक्ष अपने इसी शिष्य को साक्षी मानकर अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ ये घोषणा करता हूं कि वर्षों पूर्व ली अपनी प्रतिज्ञा को जिस शिखा का तूने आज अपमान किया उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा दनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। मैं आज पूर्ण मानता और फलस्वरूप अपनी शिखा को बांधता। आचार्य चाणक्य की सम्राट चंद्रगुप्त की आचार्य चाणक्य की।